इस प्रेजेंटेशन का टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग सेल डिवीजन, चैप्टर 10 पार्ट 4। जब हम मियोसिस पढ़ा रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को तो कुछ कन्फ्यूजन्स स्टूडेंट के अभी भी रह जाते हैं, और यूट्यूब पे हमें कमेंट्स मिल रहे हैं कि क्रोमोसोम का नंबर तो मियोसिस फर्स्ट में ही हाफ हो गया, तो मियोसिस सेकंड में क्या इवेंट्स होंगे। और कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि मियोसिस फर्स्ट में डीएनए का कंटेंट क्या होगा। तो ये जो हमने प्रेजेंटेशन बनाया है इन्हीं सब कन्फ्यूजन्स को ध्यान में रखते हुए बनाया है, और इस प्रेजेंटेशन में हमारी पूरी कोशिश है कि हम अपने स्टूडेंट्स के यह कन्फ्यूजन्स दूर करें। जब भी हम किसी टॉपिक को डिस्कस करते हैं तो उससे रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम सबसे पहले अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं। तो आज के टॉपिक से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स सीख लेते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं। तो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का कॉन्सेप्ट सीखते हैं, मियोसिस वाले प्रेजेंटेशन में भी हमने ये एक्सप्लेन किया है, क्विक रिवीजन करेंगे। तो हैप्लॉइड सेट का मतलब होता है कि किसी भी स्पीशीज में जितने भी तरह के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं उन सब क्रोमोसोम्स की अगर एक एक कॉपी किसी सेल में प्रेजेंट है तो ऐसी सेल को हम हैप्लॉइड सेट कहेंगे, और ऐसे क्रोमोसोम के ग्रुप को हम हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स कहेंगे। तो जैसे अगर हम ह्यूमन का एग्जांपल लें तो ह्यूमन में 22 टाइप्स के ऑटोसोम्स होते हैं और एक्स या वाई ये सेक्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो अगर इन सभी तरह के क्रोमोसोम्स की एक एक कॉपी होती है सेल में तो उसे हम हैप्लॉइड सेल कहेंगे, और इस सेट को हम हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स कहेंगे। तो ह्यूमन की बॉडी में जो गैमेट्स होते हैं, स्पर्म और ओवम होता है, वो हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, क्योंकि इन सेल्स में केवल एक एक कॉपी होती है हर तरह के क्रोमोसोम की। और यहाँ पर हम डिप्लॉइड भी बता देते हैं, तो हर तरह के क्रोमोसोम की अगर दो दो कॉपी अगर किसी सेल में मौजूद है तो इसे हम डिप्लॉइड सेल कहेंगे, और डिप्लॉइड को हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। हैप्लॉइड को हम सिंगल n या केवल n लिखते हैं, स्मॉल n लिखते हैं हैप्लॉइड के लिए, और डिप्लॉइड के लिए हम लिखते हैं 2n। और हमारी बॉडी की जितनी भी सोमेटिक सेल्स हैं, सोमेटिक सेल्स का मतलब होता है स्पर्म और ओवम के अलावा जो भी सेल्स हमारी बॉडी में हैं वह सभी सोमेटिक सेल्स हैं। तो सोमेटिक सेल्स हमारी डिप्लॉइड होती हैं, इनमें हर तरह के क्रोमोसोम की दो कॉपीज होती हैं, एक कॉपी हमें मदर से मिलती है और एक कॉपी हमें फादर से मिलती है। तो जब इस तरह से क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं किसी सेल में तो उसे हम डिप्लॉइड सेल कहते हैं, और इस पूरे सेट ऑफ क्रोमोसोम को हम डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स कहते हैं। यहाँ एक और बात अपने स्टूडेंट्स को रिकॉल करवाना चाहते हैं कि इंटरफेस के दौरान जो डीएनए होता है वह हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ में पैकेजिंग होती है इस डीएनए की, और यह क्रोमैटिन फाइबर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और जब सेल डिवीजन होता है तो एम फेज को रिकॉल कीजिए सेल साइकिल का, तो एम फेज के दौरान जो प्रोफेज होता है, जो पहला फेज होता है माइटोटिक डिवीजन का, उस दौरान यह क्रोमैटिन फाइबर की फर्दर कंडेंसेशन होता है, एज अ रिजल्ट क्रोमोसोम बनके तैयार होता है। तो ये सब छोटे छोटे हमारे डाउट्स पहले क्लियर हो जाएं तो हम अपने कॉन्सेप्ट्स को जो आगे हम डिस्कस करेंगे तो उन कॉन्सेप्ट्स को सीखना बहुत आसान हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमन की डिप्लॉइड सेल जो होती है, सोमैटिक सेल जो होती है, उसमें इंटरफेस के दौरान 46 क्रोमैटिन फाइबर्स देखे जा सकते हैं, 46 क्रोमैटिन फाइबर्स देखे जा सकते हैं। और जब इन क्रोमैटिन फाइबर्स का जब कंडेंसेशन होगा तो यही क्रोमैटिन फाइबर्स ये 46 क्रोमोसोम की फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। इन क्रोमैटिन्स का जब कंडेंसेशन होगा तो ये 46 क्रोमोसोम बनाएंगे। क्रोमोसोम का जो फॉर्म होगा वह यह फॉर्म होगा, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। तो इस फॉर्म के क्रोमोसोम्स हमें देखने को मिलेंगे अगर इन क्रोमैटिन फाइबर्स का कंडेंसेशन होता है तो। तो ये 46 क्रोमोसोम हम कहते हैं, इनको हम 23 पेयर्स भी कहते हैं, क्योंकि एक पेयर के क्रोमोसोम में एक कॉपी होती है मदर से और दूसरी कॉपी होती है फादर से। तो इस तरह से 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जिसको हम ह्यूमन के केस में डिप्लॉइड कंडीशन कहते हैं। यह डिप्लॉइड नंबर होता है क्रोमोसोम्स का 46। तो अब यहाँ पर हम डीएनए कंटेंट का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो इन 46 क्रोमोसोम्स में जितना भी डीएनए प्रेजेंट है तो उस डीएनए को हम कहेंगे कि यह है 2
सी, कैपिटल सी यहाँ पर हमने यहाँ पर लिखा है, तो सी स्टैंड्स फॉर कंटेंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन दैट क्रोमोसोम्स। तो डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स में जितना भी डीएनए प्रेजेंट है तो उसको हम कहेंगे कि यह डीएनए है 2C, इसको हम डिनोट करेंगे 2C से। इस कॉन्सेप्ट को समझना और सीखना बहुत ज़रूरी है। अब आगे का जो हम डिस्कशन करेंगे वो हम केवल वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम को लेकर ही करेंगे, ताकि हम बहुत सिंपलिसिटी के साथ में अपने स्टूडेंट्स को कुछ पॉइंट्स क्लियर कर सकें। तो मान के चलिए कि किसी स्पीशीज का जो डिप्लॉइड नंबर है क्रोमोसोम्स का वह 2 है। एक कॉपी उस स्पीशीज के पास मदर की है और एक कॉपी उस स्पीशीज के पास क्रोमोसोम की फादर की है। केवल एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम से हम कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं, ताकि बहुत आसानी से बहुत सिंपलिसिटी के साथ हम कुछ बातें समझ सकें। तो जीवन फेस में देखिए, ये क्रोमैटिन की फॉर्म में ये पूरा डीएनए प्रेजेंट होगा उस डिप्लॉइड सेल में, और इसको हम कहेंगे कि ये 2N कंडीशन है। और इस इन क्रोमोसोम्स में पाया जाने वाला जितना भी डीएनए है उसको हम कहेंगे कि ये 2C डीएनए है। अब एस फेस के दौरान ये जो क्रोमैटिन है, जो डीएनए है, यह इसका रेप्लिकेशन होगा और हर क्रोमैटिन फाइबर हमें ये इस तरह से दिखाई देगा। तो यानी कि इतना तो हमें ज़रूर समझ में आ रहा है कि एस फेस के बाद डीएनए का कंटेंट दुगना हो गया है। अभी नंबर का कॉन्सेप्ट अभी हम नहीं समझ रहे हैं, तो डीएनए का कंटेंट तो ज़रूर दुगना हो चुका है। तो एस फेस के बाद जो डीएनए का कंटेंट है, अब इसे हम कहेंगे कि यह 4C है। और जब माइटोटिक फेस होगा, उसमें जो सबसे पहला फेस होता है प्रोफेस, जिस दौरान क्रोमैटिन फाइबर्स कंडेंस होते हैं, तो अब ये जो क्रोमैटिन फाइबर्स हैं ये इस तरह के क्रोमोसोम्स की फॉर्म ले लेंगे। ये जो दो क्रोमैटिड्स हैं यह सेंट्रोमियर की हेल्प से जुड़े हुए होंगे। यह एक क्रोमैटिन फाइबर और ये दूसरा रेप्लिकेटेड क्रोमैटिन फाइबर्स ये हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ध्यान दीजिए कि अगर यह क्रोमैटिन का कंडेंसेशन होता तो क्रोमोसोम हमें इस फॉर्म में मिलते, लेकिन एस फेस के बाद क्योंकि क्रोमैटिन फाइबर्स का रेप्लिकेशन हो चुका है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो चुका है, तो ये जो क्रोमैटिन है एस फेस के बाद, अब इनका जब कंडेंसेशन होगा तो क्रोमोसोम हमें इस फॉर्म के दिखाई देंगे। अब देखिए, ध्यान दीजिए, तो क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं हुआ है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम 1 काउंट करेंगे। यह है 1 क्रोमोसोम, यह है 2 क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम का नंबर अभी भी चेंज नहीं हुआ है, लेकिन डीएनए का कंटेंट डबल हो चुका है एस फेस के बाद। तो इन कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत अच्छी तरह से, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे स्टूडेंट्स को ये 2N, 4C, 2C इन सब का कॉन्सेप्ट आपको ज़रूर समझ में आया होगा इस डिस्कशन से। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे माइटोसिस के दौरान डीएनए का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है। तो यहाँ पर ये हमने एक पेरेंट सेल दिखाई है और ये पेरेंट सेल डिप्लॉइड है और उसमें 4 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो डिप्लॉइड कंडीशन है, तो डीएनए का कंटेंट है इसमें 2C। और एस फेस के बाद अब माइटोसिस शुरू होगी। एस फेस को अब ध्यान कर लीजिए, अभी अभी सारा डिस्कशन हमने कराई है। तो एस फेस के बाद माइटोसिस के दौरान अब जो ये क्रोमोसोम्स, जो क्रोमैटिन फाइबर्स हैं, जब वो कंडेंस होंगे तो क्रोमोसोम्स यह फॉर्म ले लेंगे प्रोफेस के दौरान। तो अब प्रोफेस के दौरान क्या कंडीशन होगी सेल में, 2N और 4C। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे स्टूडेंट्स को यह कॉन्सेप्ट ज़रूर समझ में आ रहा होगा। और माइटोसिस के दौरान ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स कहे जाते हैं, तो ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं ये ब्रेक होते हैं और हर क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर है वह ब्रेक होगा और एक क्रोमैटिड एक पोल पर और दूसरा क्रोमैटिड दूसरे पोल पर आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए, जब टीलोफेस के बाद जब ये क्रोमैटिन फाइबर्स होंगे तो हर सेल में 4 क्रोमैटिन फाइबर हमें देखने को मिल रहे हैं। और तो ये कंडीशन
टू एन ही है. इन क्रोमेटिन फाइबर्स को अगर कंडेंस किया जाए तो बिल्कुल इसी तरह से क्रोमोसोम बनेंगे. तो सेल डिवीजन के बाद कंडीशन 2N है और कंटेंट डीएनए का अब जो 4C से अब वापस से 2C हो गया. यही कंडीशन हमें पेरेंट सेल में देखने को मिल रही है. तो माइटोसिस में डीएनए का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होता है. जब पेरेंट सेल है उसमें कंडीशन है 2N और 2C. एस फेज के बाद कंडीशन हो जाएगी 2N और 4C. और माइटोसिस के बाद एनाफेज के बाद टीलोफेज के दौरान कंडीशन वापस से रीस्टोर हो जाएगी 2N और 2C. हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे स्टूडेंट्स को माइटोसिस के दौरान डीएनए डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है यह कॉन्सेप्ट ज़रूर समझ में आया होगा. अब हम डिस्कस करेंगे मियोसिस फर्स्ट के दौरान डीएनए का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है. तो एक डिप्लॉइड सेल में मियोसिस फर्स्ट शुरू हुई और डिप्लॉइड सेल में क्रोमोसोम का नंबर है 4. यहाँ पर अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे कि एस फेज के बाद कंडीशन हो गई है 4C. ये आपको ज़रूर समझ में आ रहा होगा लेकिन क्रोमोसोम नंबर अभी भी 2N है. और यहाँ पर अपने स्टूडेंट्स को और एक बात रिकॉल करवाना चाहते हैं कि मियोसिस फर्स्ट के दौरान जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं उनका सेपरेशन होता है. होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं कि ये जो क्रोमोसोम पेयर हैं और इन पेयर में एक मैटरनल कॉपी और एक पैटर्नल कॉपी, तो इसको हम होमोलोगस पेयर कहते हैं. ये एक तरह के क्रोमोसोम्स हैं. इनमें से एक कॉपी मदर से मिली है और एक कॉपी फादर से मिली है. तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स का सेपरेशन होता है. इस दौरान सेंट्रोमियर ब्रेक होकर जो सिस्टर क्रोमेटिड हैं वह सेपरेट नहीं होते हैं. ध्यान से समझिए इस कॉन्सेप्ट को कि जैसे अभी अभी हमने माइटोसिस में देखा था कि हर क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर है वह ब्रेक हो रहा था और सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट हो रहे थे. लेकिन मियोसिस फर्स्ट के दौरान होमोलोगस क्रोमोसोम्स का सेपरेशन होता है और यह सेपरेशन रैंडम होता है. ऐसा नहीं है कि सारे पैटर्नल क्रोमोसोम एक तरफ आ जाएंगे और सारे मैटर्नल क्रोमोसोम एक तरफ आ जाएंगे. रैंडम सेपरेशन होता है. कुछ मैटर्नल और कुछ पैटर्नल क्रोमोसोम एक पोल पर आएंगे और इसी तरह से दूसरे पोल पर भी कुछ मैटर्नल और कुछ पैटर्नल क्रोमोसोम्स दूसरे पोल पर आ जाएंगे. तो अब ध्यान दीजिए, ये क्रोमोसोम 4 हैं, 1, 2, 3, 4, ये 4 क्रोमोसोम्स हैं. और होमोलोगस क्रोमोसोम्स डायाड फॉर्म में ये मूव करेंगे इन पोल्स पर. तो अब ये देखिए कि एनाफेज के बाद, एनाफेज फर्स्ट के बाद, अब देखिए टीलोफेज में ये क्रोमोसोम्स का नंबर आधा हो गया है. ये 1N हो गया है कंडीशन और 2C जो कंटेंट है डीएनए का वह 4C से 2C हो गया है और क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो गया है. लेकिन डीएनए का कंटेंट अभी भी 2C है. अब मियोसिस सेकंड में अब इस 2C को फर्दर हाफ किया जाएगा, इसे 1C में कन्वर्ट की जाएगी इस कंडीशन को. तो हमारे स्टूडेंट्स को अब ज़रूर समझ में आ रहा होगा कि मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम का नंबर किस तरह से हाफ हो गया, क्योंकि होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स हैं वह सेपरेट हो रहे हैं, ना कि सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट हो रहे हैं. तो इस वजह से क्रोमोसोम नंबर मियोसिस फर्स्ट के बाद ये हाफ हो गया है. देखिए ये बात हम समझ चुके हैं कि इस पूरे स्ट्रक्चर को हम 1 काउंट करेंगे. तो यहाँ पर देखिए 1 और 2, तो हर सेल में, हर डॉटर सेल में 2 क्रोमोसोम हो गए हैं 4 क्रोमोसोम की कंडीशन से. तो इस तरह से मियोसिस फर्स्ट के दौरान जो क्रोमोसोम नंबर होता है वह हाफ होता है. डीएनए का कंटेंट अभी भी 2C है. अब हम मियोसिस सेकंड के दौरान जिस तरह से डीएनए डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसे डिस्कस करते हैं. तो यहाँ पर ये देखिए, हमने यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट की एक डॉटर सेल दिखाई है जहाँ पर कंडीशन 1N और 2C है. तो अब यहाँ पर ये देखिए कि अब ये जो क्रोमोसोम्स अलाइन हुए हैं मेटाफेज प्लेट पर, तो ये अभी डायाड कंडीशन में हैं और अब इनके सेंट्रोमियर्स ब्रेक होंगे और अब यह सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट होंगे. तो जैसे ये सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट होंगे तो अब ये देखिए यहाँ पर, अब ये देखिए कंडीशन, तो अब क्रोमोसोम नंबर भी हाफ हो गया है और डीएनए का कंटेंट भी हाफ हो गया है. तो मियोसिस सेकंड के बाद अब जो कंडीशन है यह ट्रू हैप्लॉइड कंडीशन है जिसमें क्रोमोसोम नंबर भी 1 हो गया है और डीएनए कंटेंट भी, जो डिप्लॉइड सेल में जो कंटेंट पाया जाता है डीएनए का, वह भी अब हाफ हो गया है. तो इस तरह से मियोसिस के दौरान
क्रोमोसोम्स का सेपरेशन होता है और डीएनए का डिस्ट्रीब्यूशन होता है डॉटर सेल्स में। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे स्टूडेंट्स को ये कॉन्सेप्ट ज़रूर समझ में आया होगा। क्लास 11 एनसीईआरटी बायोलॉजी टेक्स्ट बुक से ये हमने एक स्टेटमेंट मेंशन किया है, वीडियो पॉज करके इस स्टेटमेंट को पढ़िए और समझिए। हमने इस स्टेटमेंट में जो भी बातें लिखी हैं वह सभी बातें हमने डिस्कस की हैं। अब यह स्टेटमेंट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ये कुछ क्वेश्चंस मेंशन किए हैं, वीडियो पॉज कीजिए, इन्हें पढ़िए, समझिए और जो कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए हैं उन्हें अप्लाई करने की कोशिश कीजिए।